हे गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग एकदम अलग और एकदम डिफरेंट है भाई। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम कहां पर जा रहे हैं और कहां का ये ब्लॉग होने वाला है, तो प्रॉपर आपको दिखाएंगे। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं आज, हाँ, तो आज हम जा रहे हैं जो कि हमारे साले साहब हैं, वो उनकी चौथी के लिए हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैन है और इस साइड ये मिस्टर अभिषेक जी खड़े हुए हैं, बाकी सभी लोग वैन में बैठे हुए हैं। तो भैया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम अभी हैं दिबियापुर में और इस साइड ये नहर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो भैया, हम तो पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो भैया, आजकल तो भैया हम खूब दबा दबा के एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और गाइस, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये व्यू बड़ा ही अच्छा है क्योंकि दोनों तरफ रोड इस पे है, नहर के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ, बट व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को दिखाएं। और गाइस, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी हम शब्बे में आ चुके हैं, क्योंकि ये रेलवे का शब्बे है। काफ़ी नियर बाई ये चुके हैं गांव के। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं, अभी उतरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा था है। और ये गाड़ी पहले से आ चुकी है, आपको हमने उस दिन नहीं बताया था, बट लेकिन आज आपको बताएंगे विशाखपुर पर। तो भैया, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बहू के घर और दिखाते हैं आपको यहाँ पर कि कैसे क्या है। सो भैया, कैसे स्वागत किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं, भैया मेरे भ्राता श्री मंगली भाई और अभिषेक जी को खिला रहे हैं पेठा, लेकिन वो खा नहीं रहे, बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा हो चुका है, लेकिन खिला ही दिया भाई ने। सो भैया, हम आ चुके हैं यहाँ पर और इस साइड ये कामनी जी हैं, शरमा रही हैं। क्यों शरमा रही हैं आप? चलो कोई नहीं, इनको शरमा नहीं दो। इस साइड ये बैठे हैं गोविंद जी, इधर भैया जी स्माइल। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, पेड़ पौधे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साइड भी हैं ये, तो काफ़ी यहाँ पे ठंडा महसूस हो रहा है। अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलें आप? नए नए दूल्हा शर्मा रहे हैं लड़कियों की तरह। सो भैया, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं और देख सकते हैं कि चारों तरफ एकदम लाइक, अभी इससे पहले गेहूं की फसल थी तो अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा है, बट उस दिन जब बारात, यहीं पे टेंट लगा हुआ था, जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेंट लगा हुआ था और साइड भोजन वोजन कराया जा रहा था। और इससे पहले भी हमने वहाँ पर, अब मेरे जो मामा हैं, मतलब रवि मामा हैं, उनके साथ में वीडियो वहाँ पर हमने बनाया था, तो शायद आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको पता हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर है आके, और मैं क्या ही बताऊँ, हालांकि ये ज़िंदगी के जो पल हम कैप्चर करते हैं, जब इनको बाद में देखेंगे या जब भी देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ब्लॉग बनाने का मतलब ये होता है कि अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में दिखाएं, या कोई नई जगह, कोई नया लोकेशन हो तो दिखाएं। अब जैसे कि अब लोग कहते हैं, कई लोगों के हमने कमेंट देखे हैं, कुछ लोग मुझे एडवाइस देते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि भैया, आप कोई जैसे कि तीर्थ स्थल हो गया या कोई टेंपल वगैरह हो गया, ऐसी जगहों के आप ब्लॉग बनाया करें। तो भैया, मुझे पता है कि सभी लोग, मैंने देखा है कि उन पर भी, इससे पहले हमने वो भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो भी ऐसी रहे हैं, उन पर कोई अच्छा खासा रीच नहीं मिला है, क्योंकि जब देखते हैं कि जैसे कि सौरभ तनेजा हो गए, और जैसे कि सौरभ जोशी ब्लॉग 20 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं,
तो उनकी क्या डेली की लाइफ है वो, तो लोग दिखाते रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं, लोग उनको देखते हैं। तो आज नहीं कल नहीं परसों शायद आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिले तो हमारे भी वीडियोस पे बूस्टअप आए, थोड़ा सा वायरल हो या चले। बट ये है जो भी हम मेहनत करते रहेंगे हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। हालांकि सब्सक्राइबर आपको पता है कि आपके सामने हैं 16,000 प्लस हैं और निरंतर बढ़ते ही हैं, लेकिन ये है कि बस हार नहीं माननी चाहिए। तो वही भैया हम हमेशा दिखाते रहते हैं और आप थोड़ा बहुत प्यार देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात रोना धोना गरीबी हाय ये वो तो भैया हमारे ब्लॉग में नहीं है और दिखाना भी नहीं चाहिए कि पब्लिक उससे भी बोर हो जाती है। आज नहीं कल नहीं परसों रीच मुझे मिलेगी तो आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। बट ये है कहने का मतलब ये है कि हार नहीं माननी चाहिए। तो बस हम यहीं पर आए हुए थे तो हम सोचा कि क्यों ना उनके वो सब जो आपने शुरुआत में देखा वो सब दिखाए रहे हैं और उसके बाद जो अभी आप इसके बाद देखेंगे कैसे भी घर जाएंगे कैसे क्या है, तो जब ये सब देखते हैं तो अच्छा लगता है। जो ये लो भैया। सो गाइस जैसा कि आप अभी देख रहे हैं सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो मुझे ये खीर लगी है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। बाकी ऑलमोस्ट ये भी सारा कुछ अच्छा है। तो भैया खाना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगा। इस साइड ये आशीष भाई, इस साइड ये मेरे भाई, इस साइड ये गोविंद जी, इस साइड ये अंकल जी। नहीं नहीं बस सो भैया आपको पता ही है कि इससे पहले भी हम खाना खा रहे थे, खाना बना हमने खाया, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बाकी पनीर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही टेस्ट आया खाना खा के। जिस तरीका से विनम्रता और प्रेम से सभी लोगों ने खाना खाया और जो कि अभिषेक जी के ससुराल वालों ने बड़े अच्छे से खाना खिलाया, तो तहे दिल से उनको शुक्रिया करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और वैसे तो हमने बाई फेस तो फिर मैंने बोला है, बट जब ये वीडियो वो वॉच करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो बस बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे आके, और दिखाते हैं आपको आगे का वीडियो। सो गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये मेरी मिसिस हैं और इस साइड जो खड़ी हैं ये मेरे भाई की मिसिस हैं। हालांकि वो थोड़ा सा शर्मा रही है क्योंकि हम जेठ हैं इसलिए शर्मा रही है वो। और इस साइड मेरे साले साहब हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका नाम है गोविंद और ये देख रही है हमारी छोटी सी साली है वो तो कैसे मुस्कुरा रही है। आप कुछ बोलें यहाँ पे अच्छा और लग रहा है। अच्छा बहुत इनको लग रहा है। गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं जो कि अब चौथी का प्रोग्राम पूरा हो चुका है और यहाँ से हम निकलते सूत्र के लिए। और ये यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं पैसे हैं, लाइक उसमें बतासे भी हैं। सो भैया जैसा कि आप देख रहे हैं मान सम्मान हो चुका है और बस हम यहाँ से थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे इस व्लॉग में। और बस सभी लोग तैयार हैं हालाँकि, और जो कि अभिषेक जी की मिसेस हैं वो भी यहाँ पर अभी आने वाली हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए, लाइक सोत्रा के लिए। आपको पता है कि नहर का किनारा है और रोड के किनारे ये लाइक दिव्यापुर कि नहर के बगल में कितनी प्यारी सी लाइट लगी हुई है जो कि बहुत ही औसम लग रही है देखने में। और ये व्यू तो बहुत ही प्यारा है जैसा कि आप देख रहे हैं साइड से पानी है के माध्यम से कि हम अभिषेक भाई की मिसिस मतलब हम वहाँ पर जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे हम वहाँ पर गए थे। चौथी का प्रचलन होता है शादी होने के बाद में, तो हम लोग चौथी के लिए गए हुए थे जो कि अल्टा मतलब जाते हैं फिर बहू को बुला के यहाँ पर घर ले आए। सारा वीडियो मैंने बनाया, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एक प्यारी सी कॉमेंट करें और बताएँ जैसा भी आपको लगा हो, लेकिन एक कमेंट आप करेंगे तो उससे थोड़ा सा ये लगता है मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई लोगों को वीडियो पसंद आया या नहीं आया है। तो अपने वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।